हरिश्चंद्र सखाराम भावतकर, ऑल्सो नोन एज सावे दादा, इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन मूवीज. तो इन लोगों का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है हमारे इंडियन मूवीज में. इन्हीं की वजह से इंडियन मूवीज ग्रो हुई हैं. नाउ विल सी पेज नंबर 44. लेटर गोपाल रामचंद्र टोरने वॉज ऑल्सो नोन एज दादा साहेब टोरने एंड ए पी करंदीकर, एस एन पटनकर, वी पी दिवेकर सॉट हेल्प फ्रॉम फॉरेन टेक्नीशियंस एंड मेड मूवी एंटाइटल्ड पुंडलिक. तो पुंडलिक नाम की एक मूवी ये सब लोगों ने मिलकर बनाई थी. इट वॉज रिलीज इन मुंबई इन 1912 में मुंबई में ये मूवी रिलीज हुई थी. राजा हरिश्चंद्र वॉज अ मूवी डायरेक्टेड बाई दादा साहेब फाल्के, वॉज द फर्स्ट टू बी प्रोसेस्ड कम्प्लीटली इन इंडिया. तो हरिश्चंद्र नाम की एक मूवी बनाई थी दादा फाल्के ने. तो ये पूरे इंडिया में पॉपुलर हुई थी ये मूवी. इट वॉज रिलीज इन मुंबई इन 1913. ही ऑल्सो क्रिएटेड साइलेंट मूवीज नेम्ड मोहिनी भस्मासुर, सावित्री, सत्यवान. ऑल्सो डॉक्यूमेंट्रीज ऑन द रॉक कट केव्स ऑफ वेरुल एंड पिलग्रिम सेंटर्स ऑफ नासिक एंड त्र्यंबकेश्वर. तो ये सब टॉपिक्स पे भी उन्होंने मूवीज बनाई हैं. लेटर द ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग मूवीज ऑन हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट्स केम इन टू बींग. तो हिस्टोरिक और माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट्स पे भी मूवीज बनने लगी. आनंद राव पेंटर द फर्स्ट वन टू मेक अ सिने कैमरा ऑफ इंडियन मेक ऑल्सो गॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग ऑफ द मूवीज. तो आनंद राव पेंटर ने इंडिया में पहला कैमरा बनाया था, सिने कैमरा, और उनको वो भी बाद में मूवीज बनाने में इंटरेस्ट लेने लगे. हिज कजिन बाबूराव पेंटर ऑल्सो नोन एज मिस्त्री मेड साई रंधरी इन 1918. ही मेड द फर्स्ट हिस्टोरिकल मूवी सिंहगढ़ विच वॉज अ साइलेंट वन. उन्होंने जो पहली मूवी बनाई थी वो साइलेंट मूवी थी. ही ऑल्सो क्रिएटेड हिस्टोरिकल मूवीज लाइक कल्याणाचा खजीना, बाजी प्रभु देशपांडे एंड नेताजी फाल्कर. ही ऑल्सो मेड अ मूवी ऑन रियलिस्टिक सोशल इश्यू एंटाइटल्ड सवकारी पाश. इन 1925 बालाजी पेंढारकर मेड अ मूवी एंटाइटल्ड बाजीराव मस्तानी. However, the British government suspected it to be a medium of spreading nationalist sentiments and it was banned. तो एक मूवी बनी थी 1925 में बाजीराव मस्तानी, बट ब्रिटिशर्स को ने हम पे डाउट किया कि वो हम लोगों में कुछ अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं उस मूवी के थ्रू, इसीलिए मूवी को बैन कर दिया था ब्रिटिशर्स ने. कमलाबाई मंगुलकर वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रोड्यूसर. शी प्रोड्यूस्ड सावलिया तंदेल एंड पन्नादाई हिंदी. रामशास्त्री मूवी मेड बाय प्रभात कंपनी इन 1944 बिकेम वेरी पॉपुलर. इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड अ फ्यू मूवीज व मेड ऑन हिस्टोरिकल थीम्स. तो इंडिपेंडेंस के बाद कुछ हिस्टोरिकल थीम्स पे भी कुछ कुछ मूवीज बनने लगे, मतलब पर बहुत कम मूवीज बनते थे. ओनली अ फ्यू. आचार्य आत्रे मेड अ मूवी ऑन द लाइफ ऑफ द महात्मा फुले एंड विश्राम भेड़ेकर मेड मूवीज ऑन द लाइफ ऑफ वासुदेव बलवंत फाड़के. दिनाकर डी पाटिल मेड अ मूवी एंटाइटल धान्या ते संत धनाजी बाल शिवाजी. द मूवी मेड बाय प्रभाकर पेंढारकर ऑल्सो नीड्स अ स्पेशल मेंशन. ऐसे बहुत सारे मूवीज़ हैं जो इतने इम्पॉर्टेंट थे या इतने अच्छे थे कि लोग उनको अभी भी याद करते हैं. हिस्टोरिकल मूवीज़ वर ऑल्सो मेड इन हिंदी. द हिंदी मूवीज़ मेड इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड सिकंदर, तानसेन, सम्राट चंद्रगुप्त, पृथ्वी वल्लभा एंड मुगले आजम वर मेड विद अ हिस्टोरिकल बैकड्रॉप. तो फिर हिस्टोरिकल बैकड्रॉप पे भी काफ़ी सारे मूवीज़ बनने लगे.
डॉक्टर कुटनिस की अमर कहानी वॉज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। तो ये जो मूवी बनी थी ये ट्रू स्टोरी पे बेस्ड थी। द मूवी इज बेस्ड ऑन द इंडियन स्ट्रगल ऑफ फॉर इंडिपेंडेंस सच एज आंदोलन, झांसी की रानी ऑल्सो डिजर्व अ मेंशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मूवीज थे क्योंकि ये इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट पे बेस्ड थे, तो इनको भी मेंशन करना जरूरी है। प्रोडक्शन स्टूडियोज सच एज बॉम्बे टॉकीज, राजकमल प्रोडक्शंस, आरके स्टूडियोज, नव केतन एट्सेट्रा प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। तो ये जो स्टूडियोज थे मुंबई में जो स्टूडियोज हैं बॉम्बे टॉकीज, राजकमल प्रोडक्शन, आरके स्टूडियोज, नव केतन, ये सबका भी बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है जिनकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री ऊपर आ पाई है। एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, द स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री कैन अवेल ऑफ मेनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड्स ऑफ ड्रामा एंड म्यूजिक एंड मूवीज। ड्रामा, इन ऑर्डर टू अचीव एक्यूरेसी ऑफ द स्टेज बैकड्रॉप ऑन द स्टेज डीप नॉलेज ऑफ हिस्ट्री एंड आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर ऑफ द कंसर्न पीरियड इज एसेंशियल। तो जब भी हम कोई स्टेज रेडी करते हैं उसके बैकड्रॉप के लिए हमको बहुत सारा नॉलेज उस पर्टिकुलर टाइम उस पर्टिकुलर प्लेस का होना जरूरी है, तभी हम एग्जैक्टली बैकड्रॉप प्रॉपर क्रिएट कर पाएंगे। एक्सपर्ट्स इन दीज फील्ड्स कैन वर्क एज आर्ट डायरेक्टर्स और कंसल्टेंट्स। तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं इस फील्ड में वो लोग आर्ट डायरेक्टर्स या एज कंसल्टेंट्स काम कर सकते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है। सेकेंड, द स्क्रिप्ट राइटर्स एज वेल एज डायलॉग राइटर्स नीड असिस्टेंस फ्रॉम द एक्सपर्ट इन द लैंग्वेजेस एंड द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस एज वेल एज एक्सपर्ट्स इन कल्चरल हिस्ट्री ऑफ द गिवन पीरियड। तो जो भी राइटर्स होते हैं, जो भी मूवीज के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं, उनको भी उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का अच्छा प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए और उस पर्टिकुलर प्लेस की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। तो उनको भी ऐसे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है जिनको उस टाइम के उस प्लेस के कल्चर के बारे में और लैंग्वेजेस के बारे में पता हो। सिनेमा, द आर्ट डायरेक्टर्स ऑफ द मूवी क्रिएट द बैकड्रॉप डिजाइंस ऑफ एटमोसफियर, कॉस्ट्यूम्स एंड ज्वेलरी, मेकअप, हेयर स्टाइल एट्सेट्रा सूटेबल टू द टाइम्स ऑफ द थीम ऑफ द मूवी। तो जो भी थीम पे मूवी बन रही है उस टाइम के हिसाब से ही सारा सेटअप होता है। तो स्कॉलर्स ऑफ हिस्ट्री कैन वर्क इन दिस फील्ड एज आर्ट डायरेक्टर्स और एज कंसल्टेंट टू द आर्ट डायरेक्टर। तो जो स्कॉलर्स होते हैं हिस्ट्री में, हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको उनके लिए ये भी एक बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है कि वो एज आर्ट डायरेक्टर्स और एज कंसल्टेंट टू आर्ट डायरेक्टर्स वो लोग वर्क कर सकते हैं। सेकेंड, टू राइट मूवी डायलॉग्स नॉलेज ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज एज स्पोकन इन द कंसर्न पीरियड इज एसेंशियल। एक्सपर्ट इन दीज फील्ड्स कैन फाइंड मैनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। तो सेम विथ सिनेमा, जैसा कि हमने ड्रामा में देखा कि जो भी टाइम के बारे में हम मूवी बना रहे हैं उससे रिलेटेड डायलॉग्स भी लिखने के लिए कल्चर और लैंग्वेज का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी हिस्ट्री में एक्सपर्ट्स होते हैं वो लोग को ये फील्ड में बहुत सारे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर।